प्रश्न तीन, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को ऋणात्मक घातांक के रूप में लिखें। प्रश्न तीन का पहला, -3 का घात 3, -3 का घात 3 है तो इसको हम लिख लेंगे 1 बटा -3 का घात -3। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को ऋणात्मक घातांक के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे घात 3 क्या है, धनात्मक है, यानी 3 धनात्मक है, ये जो घात लगा हुआ है वो धनात्मक है, तो उसको ऋणात्मक बनाना है, यानी माइनस का चिन्ह देना है। तो घात को ऋणात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, -3 को लिख लेंगे 1 बटा -3, यानी -3 का व्युत्क्रम लिखेंगे। तो -3 यहाँ पे अंश में है तो उसको हर में लिख लेंगे, और बटा में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को अंश में लिख देंगे, तो हो जाएगा 1 बटा -3 का घात -3। तो देखिए घात जो है ऋणात्मक हो गया है। अब हम इसको लिख लेंगे -1 बटा 3 का घात -3। हर में जो माइनस रहता है उसको अंश के साथ कर लिया जाता है, तो ये माइनस जो है अंश के साथ हो जाएगा, यानी 1 के साथ। तो -1 बटा 3 का घात -3 इसका उत्तर होगा। दूसरा दूसरा है -2 का घात 4 गुना 3 बटा 4 का घात 2। तो -2 का घात 4 है गुना 3 बटा 4 का घात 2 है, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे। तो -2 का घात 4 क्या हो गया, -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना 3 बटा 4 गुना 3 बटा 4 इस तरह लिख लेंगे। -2 का घात 4 है तो 4 बार गुना करेंगे, 3 बटा 4 का घात 2 है तो 2 बार गुना करेंगे। अब देखिए 2 दूना 4 होता है तो 4 से 4 कट गया, 2 दूना 4 होता है तो 4 से 4 कट गया, क्या बचा, बच गया 3 तिहाई 9। क्या बचा यहाँ पे, 9 बच गया। तो यहाँ पे 3 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 का घात 2 हो जाएगा, 3 का घात 2 हो जाएगा, इस तरह लिख लेंगे। तो 3 गुना 3 9 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक घातांक के रूप में लिखना है, तो 3 गुना 3 को बस 3 का घात 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा 3 का घात -2। तो घात को ऋणात्मक बनाना है, तो यहाँ पे 2 क्या है, धनात्मक है, तो घात को ऋणात्मक बनाने के लिए ये 3 को क्या लिख लेंगे, 1 बटा 3, यानी 3 का व्युत्क्रम लिख लेंगे 1 बटा 3। तो 1 बटा 3 का घात हो जाएगा -2। तो जब 3 को 1 बटा 3 लिखेंगे तो घात के साथ माइनस हो जाएगा, यानी 2 जो है यहाँ पे प्लस में वो -2 हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे अंश में है तो 3 को हर में लिख लेंगे, और बटा में 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 अंश में हो जाएगा, यानी 1 बटा 3 का घात -2 इसका उत्तर होगा। और देखिए ये काटे थे हम माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 4 माइनस है इसीलिए प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो 4 चौक 16, और यहाँ भी देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 कट रहा है, और 4 माइनस है इसीलिए सब माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तीसरा, तीसरा प्रश्न है 3 का घात
छ भागा तीन का घात दो गुना तीन का घात तीन। तो तीन का घात छ भागा तीन का घात दो गुना तीन का घात तीन। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे तीन का घात छ माइनस दो गुना तीन का घात तीन लिख लेंगे। तो भागा में क्या होता है, घात को घटा लेते हैं, तो तीन का घात छ है भागा तीन का घात दो है, तो तीन का घात छ माइनस दो हो जाएगा। ठीक है, भागा में है और आधार बराबर है, तीन देखिए यहाँ भी तीन है यहाँ भी तीन है, तो भागा में क्या होता है घात को घटा लेते हैं, तो छः में से दो घटा लेंगे तो कितना आ गया, तीन का घात हो गया, छः में से दो घटाने पे चार हो गया गुना तीन का घात तीन हो गया। इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए गुना में क्या होता है, घात को जोड़ लेते हैं, तो चार जोड़ तीन हो जाएगा तीन का घात, यानी कितना आ गया तीन का घात सात आ गया। गुना में क्या होता है, जब आधार बराबर हो तो घात को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ भी तीन है यहाँ भी तीन, आधार बराबर है तो घात को जोड़ लेंगे, यानी चार तीन सात हो जाएगा, तो तीन का घात सात हो गया। अब घात को ऋणात्मक कह रहा है करने के लिए, तो इसको लिख लेंगे एक बटा तीन, तीन को क्या लिख लेंगे एक बटा तीन, तो एक बटा तीन का घात हो जाएगा माइनस सात। इसका उत्तर आ जाएगा एक बटा तीन का घात माइनस सात। तो तीन को जब एक बटा तीन लिखेंगे तो घात क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो तीन का व्युत्क्रम लिख लेंगे एक बटा तीन घात को माइनस में करने के लिए। प्रश्न चार, प्रश्न तीन का चौथा। तो प्रश्न है तीन बटा पाँच का घात माइनस एक गुना तीन बटा पाँच का घात माइनस दो गुना तीन बटा पाँच का घात चार। तो प्रश्न क्या है, तीन बटा पाँच का घात माइनस एक गुना तीन बटा पाँच का घात माइनस दो गुना तीन बटा पाँच का घात चार। अब यहाँ पे देखिए गुना में है और आधार बराबर है, जैसे यहाँ भी तीन बटा पाँच है यहाँ भी तीन बटा पाँच है यहाँ भी तीन बटा पाँच है, तो गुना में जब आधार बराबर हो तो घात को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो तीन बटा पाँच का घात हो जाएगा माइनस एक जोड़ माइनस दो जोड़ चार। तीनों घात को जोड़ लेंगे तो माइनस एक जोड़ माइनस दो जोड़ चार हो जाएगा, तो हो जाएगा तीन बटा पाँच का घात माइनस एक, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस दो लिख लेंगे, देखिए कोष्ठक हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर लिख लेंगे प्लस चार, तो तीन बटा पाँच का घात माइनस एक और माइनस दो क्या होगा माइनस तीन, और यहाँ पे लिख लेंगे प्लस चार, तो तीन बटा पाँच का घात हो जाएगा, चार में से तीन घटा लेंगे तो एक हो जाएगा। ठीक है, तीन माइनस में है और चार प्लस में है, तो चार में से तीन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा एक, तीन बटा पाँच का घात एक हो जाएगा। अब क्योंकि घात को ऋणात्मक करना है तो तीन बटा पाँच को लिख देंगे पाँच बटा तीन, तो घात हो जाएगा ऋणात्मक में यानी माइनस एक हो जाएगा, तीन बटा पाँच का घात एक है, तो घात को ऋणात्मक में करने के लिए तीन बटा पाँच का व्युत्क्रम यानी पाँच बटा तीन लिख लेंगे, तो पाँच बटा तीन का घात हो जाएगा माइनस एक।
प्रश्न तीन का पांचवा, पी का घात दो गुना पी का घात पांच बटा पी का घात नौ। तो पी का घात दो गुना पी का घात पांच बटा पी का घात नौ। तो यहां पे पी का घात लिख लेंगे दो जोड़ पांच बटा पी का घात नौ, इस तरह लिख लेंगे तो हो जाएगा। देखिए गुना में क्या होता है, घात को जोड़ लेते हैं तो पी का घात दो है गुना पी का घात पांच है, आधार बराबर है पी पी, तो घात को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो दो जोड़ पांच लिखेंगे यानी पी का घात हो जाएगा सात बटा पी का घात नौ। तो पी का घात सात बटा पी का घात नौ है यानी पी का घात सात भागा पी का घात नौ, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। देखिए बटा में है तो भागा में हम इस तरह लिख लेंगे पी का घात सात भागा पी का घात नौ, यानी पी पी का घात सात बटा पी का घात नौ को हम लिख सकते हैं पी का घात सात भागा पी का घात नौ। तो भागा में क्या होता है, घात को घटाते हैं तो सात माइनस नौ हो जाएगा, ठीक है। भागा में क्या करते हैं, घात को घटा लेते हैं तो पी का घात हो जाएगा माइनस दो। तो इसका उत्तर आ गया है, देखिए सात में से नौ घटाएंगे सात माइनस नौ क्या हो जाएगा माइनस दो, तो पी का घात माइनस दो इसका उत्तर होगा। छठा प्रश्न, प्रश्न तीन का छठा, तीन का घात दो गुना नौ का घात दो बटा इक्यासी। तो तीन का घात दो क्या हो गया, तीन गुना तीन लिख लेंगे गुना नौ का दो को नौ गुना नौ लिख लेंगे, नौ का घात दो को क्या लिखेंगे नौ गुना नौ, तीन का घात दो है तो तीन गुना तीन लिख लेंगे बटा इक्यासी है यहाँ पे, तो इक्यासी को हम लिख सकते हैं नौ गुना नौ, ठीक है। नौ नौ में इक्यासी होता है तो इक्यासी को हम लिख सकते हैं नौ गुना नौ। अब देखिए नौ से नौ कट गया, नौ से नौ कट गया, क्या बचा तीन गुना तीन नौ, क्या बच गया यहाँ पे, तो देखिए तीन गुना तीन को हम तीन तिहाई नौ नहीं लिखेंगे, तीन का घात दो लिखेंगे, क्या लिखेंगे तीन का घात दो, ठीक है, क्योंकि घात को ऋणात्मक करना है। तो अब हम लिख लेंगे एक बटा तीन का घात माइनस दो। तो यहाँ पे क्या है, तीन का घात दो है, घात क्या है यहाँ पे धनात्मक है, तो घात को ऋणात्मक करने के लिए तीन का व्युत्क्रम यानी एक बटा तीन लिख लेंगे तो हो जाएगा घात माइनस दो, एक बटा तीन का घात माइनस दो इसका उत्तर होगा। तो इस तरह प्रश्न तीन हल करेंगे।